ग्वालियर में चैम्बर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चैम्बर की सफाई करने उतरे दो नगर निगम के कर्मचारियों की मौत हो गई है। पूरा मामला हजीरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चैम्बर में गैस रिसाव के कारण दम घुटने से विक्रम और अमन की मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बिरला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मैं वहां पे भी गया, बहुत दुखद घटना है। दोनों नौजवान साथी हमारे बीच गए हैं, मैं परिजनों से मिला हूँ और सरकार पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। मुआवजे की बात कही है, मैंने वो बिल्कुल उनको सरकार की योजनाओं के तहत जो है उनको 10 लाख रुपए की प्रत्येक को सहायता दी जाएगी, उसके परिजन को 800 रुपये रखा जाएगा और उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था पूरी हम करा रहे हैं। दूसरा, उस जो विधवा हुई है उसको पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी, ये सारे काम हम करें। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मैंने दे दिए, जो भी हो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आधुनिक मशीनों के दौर में भी नगर निगम के कर्मचारी खुद जहरीली सीवर लाइन में उतरकर सफाई कर रहे हैं, जिस कारण कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।